गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया जीके एकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट टू है, जो हमने कल कवर किया था, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। तो कल वाले टॉपिक में हमने कवर किया था गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वाइसरॉयज ऑफ इंडिया से। तो स्टार्ट करते हैं, आप अपने क्वेरीज को, कमेंट्स को मुझे मेल भी कर सकते हैं indiagkacademy@gmail.com पर। तो सबसे पहले जो हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उनके बारे में बात करेंगे, लॉर्ड कैनिंग। तो वो साथ ही भारत के लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। तो आप यहाँ पे ये देखो कि वाइसराय का टर्म क्यों दिया गया। तो वाइसराय क्या था कि 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी, क्रांति हुई थी, तो उसको जब दबा दिया गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने दबा दिया, तो उसके बाद एक पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1858 पास किया गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो रूल था वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हो गया। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो वो सारा रूल जो कहाँ चला गया, ब्रिटिश क्राउन को। तो उन्होंने क्या किया कि जो वाइसराय था उसको एज ए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही हैं, बट इस टाइम उनका जो टर्म है, जो डेजिग्नेशन है, वो वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया है, ठीक है। तो जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मेन जो इवेंट्स हुए, हम उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि सिपाही म्यूटिनी जो हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो वो उनके टेन्योर के दौरान हुई थी और उसको ख़त्म किया गया, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1858, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1858 के द्वारा जो ब्रिटिश क्राउन था, राज, उसको ट्रांसफ़र हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। साथ ही उन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी ने पास की थी, तो उसको भी उन्होंने रिपील किया, ख़त्म किया। उसके बाद क्या हुआ, एक चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसकी जो रिकमेंडेशन थी, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया। कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास की यूनिवर्सिटीज़ को फाउंड किया गया, और भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को 1861 में स्थापित किया गया। तो ये कुछ उनके द्वारा किए गए उनके एडमिनिस्ट्रेशन के काम थे। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन, इनके द्वारा तो कुछ खास तो नहीं है, लेकिन एक वहाबी मूवमेंट हुआ था जो 1862 में हुआ था। तो ये रायबरेली से थे सैयद अहमद, तो उन्होंने किया था दर उल इस्लाम, जिसको के आप जोड़ सकते हैं, जो इस्लामिक रिवाइवल से एसोसिएट कर सकते हैं, जो इस्लामिक या मुस्लिम जो रिवाइवल हैं उससे आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये वहाबी मूवमेंट हुआ था लॉर्ड एल्गिन। तो यहाँ पे आप ये भी देखना कि ये लॉर्ड एल्गिन वन है, इसके बाद लॉर्ड कर्जन से पहले लॉर्ड एल्गिन टू भी आएंगे, तो इसी तरह लॉर्ड मिंटो भी आएंगे, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे सर जॉन लॉरेंस, तो साथ ही इनका जो टेन्योर है वो भी साथ में लिखा हुआ 1864 से 69। तो ये देखिए कि इन्होंने भी जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ थी उसके लिए काफ़ी काम किया भारत में, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो स्टार्टिंग में इसको इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस के नाम से जाना जाता था, तो 1867 में ये फाउंड किया गया था, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत की ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सी है, तो वो इसी सीक्वेंस में हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा। तो ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1865 में, ये इनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद जो यूरोप के साथ टेलीग्राफ की लाइंस थी, कम्युनिकेशन थी, उसको ओपन किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गए हैं लॉर्ड मेयो, ठीक है। तो इनको एक तो जाना जाता है कि जो पहला भारत की सेंसस, जिसको हम जनगणना या मर्दमशुमारी कहते हैं, वो अनइंटेग्रेटेड इन्होंने करवाई थी। अनइंटेग्रेटेड टर्म का यहाँ पे क्या मतलब है कि उस टाइम जो सेंसस किया था, जो मर्दमशुमारी हुई थी, तो भारत के सभी पार्ट से कलेक्टिव नहीं हुई थी, तो कुछ पार्ट्स में हुई, कुछ पार्ट्स में नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसे हुआ। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है कि जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है वो किसके टेन्योर में हुई थी, तो लॉर्ड मायो के टेन्योर में हुई थी। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, मायो और माया, ठीक है। तो आप कुछ, क्योंकि इनके जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं वो सभी क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं, तो आप इनको थोड़े से शॉर्टकट ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वन, जो डिपार्टमेंट थे एग्रीकल्चर के और कॉमर्स के, वो सेटअप किए गए, वो लॉर्ड मायो के। आप देख सकते हैं कि साथ जो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ कॉन्स एंड प्रोज के साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो भारत के लिए जैसे IFS की स्थापना हुई, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना, तो ये सारा कुछ साथ ही साथ चल रहा है। साथ ही म्यूटिनीज वगैरह भी हुई, जो सिपाही म्यूटिनी थी, हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था वेलोर म्यूटिनी का, जो तमिलनाडु में 1806 में हुई थी, तो उसके रूट्स को हमने वहाँ पर भी अटैच किया था, ठीक है। तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट सेट किया, और जो लास्ट में है,
कि ही इज़ द ओनली वॉइस रॉय जिनको के मर्डर किया था 1872 में एक पठान ने। तो कहाँ पे हुआ था ये? अंडमान में उनका ऑफिस था अंडमान, तो वहाँ पे इनको असैसिनेट कर दिया था एक पठान कन्विक्ट ने। उसके बाद लॉर्थ नॉर्थ ब्रुक, तो उनमें क्या हुआ था पंजाब में कुका रेबिलियन, जो इंडिपेंडेंस की ही आप एक मूवमेंट कह सकते हो, ठीक है, वो थी। और फेमाइन, बिहार में एक बहुत ही बड़ा फेमाइन आया था, तो ये ड्रॉट की वजह से, तो उस टाइम वहाँ पे सूखा पड़ा था तो वहाँ पे आया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपने साथ ही साथ कोरिलेट करने हैं, एक लास्ट में हम इनके बारे में क्वेश्चन सीरीज़ भी बनाएंगे। उसके बाद आगे लॉर्ड लिटन, तो ये तो थोड़े से नेगेटिव ही इनको ज़्यादा कहा जाता है, जो इनके कुछ क्रिटिसाइज करने वाले पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तो ये इनको कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि हु इज़ कॉल्ड दी वॉइस रॉय ऑफ रिवर्स करेक्टर, तो ये लॉर्ड लिटन है, ठीक है। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में साउथ इंडिया में एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था 1876 में, ठीक है, तो वो मद्रास फेमाइन का था, उसमें काफ़ी मिलियंस ऑफ पीपल उससे इफ़ेक्ट हुए थे, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं थी। और इन्होंने दिल्ली दरबार अरेंज किया था जिसमें कि जो क्वीन विक्टोरिया थे उन्होंने अपने आप को एम्प्रेस ऑफ इंडिया टाइटल दिया, ठीक है। तो ये टाइटल वगैरह जो भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 में अभी इनको प्रोहिबिट किया गया है, आर्टिकल 18 जो है उसके अंडर जो टाइटल है उनको एबॉलिश कर दिया। जैसे कभी पहले कोई महाराजा लिखवाता था, राजा धीराज जैसे कुछ भी है, तो कोई भी टाइटल्स अभी सभी टाइटल्स एबॉलिश कर दिए गए हैं आर्टिकल 18 के अंडर। और साथ ही इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो प्रेस की एक एक्टिविटीज़ को उन्होंने कन्फाइन करने के लिए, कर्ब करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, जो बाद में लॉर्ड रिप ने रिपील भी किया था, ठीक है। और एक आर्म्स एक्ट, इसके अंडर क्या किया था, जो भी इंडियंस हैं उन लोगों को आर्म्स के लिए अपना एक लाइसेंस अक्वायर करना पड़ता था, इसको मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था कि जो भी प्रिंटेड मैटर होगा उसकी जो सर्कुलेशन होगी कि वो कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना, तो ये एक्ट उन्होंने पास किया था। तो अभी उनके जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो सभी क्रिटिसाइज हुए पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हैं लॉर्ड रिपन, तो इनके बारे में तो थोड़े अच्छे ही इनको हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इनमें क्या किया कि जो पुराने सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम थे उन्होंने उनको एबॉलिश करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की प्रैक्टिस को स्टार्ट किया। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो लॉर्ड लिटन ने इम्प्लीमेंट किया था उसको उन्होंने रिपील किया। आफ्टर दैट एक हंटर कमीशन ने विजिट किया था, तो उन्होंने भी क्या किया था, आप देखो ये थर्ड ऐसे वॉइस रॉय आ गए हैं जो एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी फोकस चल रहा है इनका, ठीक है। आउट ऑफ 5 जो हमने डिस्कस किए हैं अभी वॉइस रॉय, तो ये थर्ड वन है जो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर स्टार्टिंग में करें। पहले जैसे वुड डिस्पैच आया था 1854 में, तो यहाँ पे ये हंटर कमीशन आ गया। और साथ ही ये एक कंट्रोवर्शियल बिल जो एबट बिल था वो पास किया, इसमें क्या था कि जो इंडियन जजेस थे वो यूरोपियन क्रिमिनल्स के ऊपर ट्रायल्स को लीड कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें उनको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा। और एक जो था बंगाल टेनेसी एक्ट पास किया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हु पास द बंगाल टेनेसी एक्ट 1885, तो ये पास किया था लॉर्ड रिपन ने। रिपन को आप ऐसे रिपील से लिंक कर दो, या आपने साथ ही कुछ ना कुछ ऐसे शॉर्ट कट भी बनाने क्योंकि पॉइंट्स और इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ गया आपका लॉर्ड डफरिन, तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था मेन तो यही है कि कांग्रेस, उस टाइम कांग्रेस की स्थापना की थी, कांग्रेस फाउंड किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, आर डी बैनर्जी की जगह जो आपने इसको डब्ल्यू सी बैनर्जी करना है। तो क्या हुआ था, जो फर्स्ट सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन है, तो उसमें डब्ल्यू सी बैनर्जी उसके प्रेसिडेंट थे और 72 डेलीगेट्स आए थे वहाँ पे। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहीं पे बन गए आपके, ठीक है, कि जो कांग्रेस की स्थापना किसके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हुई थी, तो वो थी लॉर्ड डफरिन जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे एट दैट टाइम, और उसका कांग्रेस का पहला सेशन जो बॉम्बे में हुआ, हु वाज़ द चेयरमैन डब्ल्यू सी बैनर्जी, और वहाँ पे कितने डेलीगेट्स आए थे। एक थोड़ा और सब फैक्ट ये है कि थर्ड बर्मीस वार जो हुई थी वो आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो 1885-86 में हुई थी। उसके बाद जो आगे लॉर्ड लैंस डाउनी, इनके बारे में ज़्यादा तो कहीं पर नहीं आप पढ़ोगे, लेकिन ये है कि जो वीकली हॉलीडेज हमें होते हैं, ठीक है,
फैक्ट्री आउटलेट वहाँ पे जो उस टाइम पे हुए थे, तो वो जो थे इंट्रोड्यूस इन्होंने किए थे। फैक्ट्री एक्ट 1891 पास किया था, उसमें क्या था, वीकली हॉलीडे और जो काम करने के कुछ आवर्स डिफाइन किए गए थे, स्टिपुलेटेड मतलब जो निर्धारित किया जाता है, तो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए या वर्कर्स के लिए उन्होंने इसको स्टिपुलेट किया था, निर्धारित किया था, ठीक है। और सिविल सर्विसेज जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी, जिनका टेन्योर था 1786 से 93, तो उसको इन्होंने डिवाइड यहाँ पे कर दिया प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट में। एक था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो ये क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इन्होंने कहा था कि जो इंडियंस हैं उनको डेलीगेशन में ज़्यादा उनका प्रभाव बने, तो उसके लिए उनको सीट्स ज़्यादा देनी चाहिए। तो ये कांग्रेस की डिमांड थी, तो इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास किया, सो दैट कि जो इंडियंस हैं उनकी पार्टनरशिप या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा हो डेलीगेशन में। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो डूरेंट कमीशन है, कुछ ऐसे हमने लाइन्स पढ़ी हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, इसके बारे में एक अलग टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो डूरंड कमीशन उस टाइम आया था, उन्होंने 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दोनों के बीच में लाइन बनाई, बाउंड्री लाइन फॉर्म की थी, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन टू, जैसे हमने पहले कहा वहाबी मूवमेंट हुई थी, तो वहाँ पे 1862 में लॉर्ड एल्गिन वन थे, यहाँ पे लॉर्ड एल्गिन टू है। तो इनके टाइम में एक तो 1896 और 97 का जो ग्रेट फेमोइन आया था, ठीक है, वो हो गया, और साथ में एक लयाल कमीशन जो इसी फेमाइन के ऊपर बनाया गया था। तो ये मेनली दो पॉइंट्स हैं जो आप इन याद रखोगे इनके बारे में। नेक्स्ट वन इज़ जो लॉर्ड कर्जन आ गए, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, इनके बारे में है कि इन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास किया था, तो उसमें क्या था, सर थॉमस रेलगे आए थे, 1902 में आए गए थे, ठीक है। तो उसमें क्या था, ये कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट नॉमिनीज़ हैं, जो गवर्नमेंट नॉमिनीज़ होंगे वही जो इन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो ये तो यूनिवर्सिटीज़ ने टोटली उस टाइम जो एजुकेशन ओरिएंटेड थी या जो भी कुछ ऐसे लोग थे जो डिवोटेड थे इन चीज़ों को, तो उन्होंने इसको अपोज़ किया था कि इस तरह से इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट ऑफिशियल का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उसके ऊपर कोई हैंडल नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट बना था 1904 का, वो पास किया गया 1904, सॉरी। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। तो इसको डायरेक्टली कहा गया इनकी जो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ओरिएंटेशन थी। उसके बाद जो करनाल पूसा में एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया, क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल जो था, मेमोरियल उसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो रखा गया, ठीक है, 1906 में। ये सभी पॉइंट्स इसलिए ऐसे बनाए हैं कि आपको याद हो जाएं या आप अपने आप को सेल्फ क्वेश्चनिंग करके आप इनको मेमोराइज कर सको। उसके बाद लॉर्ड मेंटू सेकेंड आ गए, तो यहाँ पे आ गया, फाउंडेशन हुई थी मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, तो 1906 में हुई थी। आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे थे तीन पर्सन, एक तो थे आगा खान, ठीक है, एक थे नवाब सलीम उल्ला जो ढाका थे, और एक थे नवाब मोहसिन मलिक, ऐसे ये तीन पर्सन थे। तो इन्होंने जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो जो लीग थी इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी सपोर्ट किया कि जो बंगाल की पार्टीशन हुई है, क्योंकि उस टाइम जो बंगाल में से मुस्लिम इसको प्रोविंशियल्स को अलग करना था या जो भी है, तो इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। और जो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चली थी, ठीक है, तो इन्होंने अपोज़ किया था जो मूवमेंट थी एंटी पार्टीशन, ये मूवमेंट थी बंगाल की, ठीक है। तो इसके जो तीन चार जो मेन जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल आप इनको ऐसे याद रखो, अरबिंदो घोष जी थे वहाँ पे, तो ठीक है। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे अटेंशन दिया था, जो अपना उनका बनारस का सेशन हुआ था 1905 में। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे ये भी बनता है कि जो बनारस सेशन हुआ था 1905 का, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट थे जीके गोखले, ठीक है। उसके बाद जो सूरत सेशन आ गया, जहाँ पे कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था,
तो आप इनके कुछ ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह भी बना सकते हो। जो कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस दो ग्रुपों में डिवाइड हो गई थी। एक तो थे जो नरम ख्याली, जिनको आप मॉडरेट्स कहते हो, एक थे जो गर्म ख्याली हो गए, उनको एक्सट्रीमिस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इनका जो इशू हुआ था मेनली वो किस किस चीज़ के ऊपर हुआ था, जो स्वदेशी मूवमेंट चली थी, तो उसका जो इन्होंने एक जो काम करने का उसको मूवमेंट को कैरी करने का सिस्टम था, तो उसके ऊपर इनका डिबेट हो गया था। तो उसको लेकर ये कांग्रेस की स्प्लिट हो गए थे 1907 सूरत सेशन में। उसके बाद मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म्स आ गए, तो इसमें इन्होंने देखिए जो डिवाइड एंड रूल की पार्टी अपनी जो पॉलिसीज उसको थोड़ा और प्रोवोक किया। तो इन्होंने क्या किया था, जो मुस्लिम्स थे ठीक है, तो उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की जो अपना एक प्रोविज़न थी उसको इन्होंने सामने रखा कि आपको ऐसे एक दिया जाएगा जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। एक इंडियन प्रेस एक्ट बनाया गया था, ये भी कंट्रोवर्शियल है, और इन्हीं सब के चलते इनको 1910 में रिज़ाइन करना पड़ा था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ गया कि हु हैड टू रिज़ाइन फेसिंग क्रिटिसिज्म ऑन द इशू ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट। तो आपने इन सबको ऐसे ही याद करना है। नेक्स्ट वन जो है लॉर्ड हार्डिंग, उस टाइम क्या हुआ था कि जो कलकत्ता से कैपिटल को शिफ्ट किया था 1911 में, और साथ ही दिल्ली दरबार भी लगाया गया था। तो उसमें क्या था, जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे जॉर्ज 5वें, उनको वेलकम करने के लिए और गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड किया है। तो ये वही किंग जॉर्ज हैं जिनके लिए ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। नेक्स्ट वन जो आ गए आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ गए, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, उनके टाइम पे एक महात्मा गांधी जी हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका से आ गए थे, जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। ठीक है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और साबरमती आश्रम है उसको फाउंड किया गया था 1916 में। सत्याग्रह और चंपारण 1917 में हुआ था, ये बिहार में हुआ था, तब उस टाइम वहाँ पे नील की खेती की जाती थी। ठीक है, उसके ऊपर 46 टाइप के टैक्स लगते थे। तो ये सत्याग्रह उस चीज़ को लेके किया गया था। खेड़ा और अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी डिमांड्स को लेके 1918 में हुआ था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपना टूल बना के यूज़ करना शुरू किया था, प्रोटेस्ट टूल। ठीक है, तो उसके बाद आ गया अगस्त, डिक्लरेशंस हुए थे सॉरी, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो पास किया गया था, इसको मॉन्टेग्यू और चेम्सफॉर्म रिफॉर्म सुधार के तौर पर इसको पास किया गया था। और एक ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और इवन जो बारबरिक एक्ट के जिसका जो रिज़ल्ट आया था, ये रॉल्ट एक्ट आया था, ब्लैक बिल कहा जाता है 1990। तो इसको बाद में तो लॉर्ड रीडिंग जो नेक्स्ट वॉइस रहे थे उन्होंने इसको रिपील कर दिया था, बट इसकी जो अपोज करते करते जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा मैसेकेर हुआ था, तो इसको और एक्ट को बाद में रिपील किया गया था। एक खिलाफत कमेटी और खिलाफत मूवमेंट उस टाइम पास की गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे उस टाइम, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, तो उन्होंने तुर्की के जो खलीफा थे उनको प्रॉमिस किया था कुछ ऐसा कि इंडिपेंडेंस का या फ्रीडम का, तो वो उन्होंने प्रॉपर नहीं किया। तो जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी तो उसको एज ए ऑफेंस डेरोगेटरी टर्म्स लेके चल रही थी, तो उन्होंने खिलाफत कमेटी को स्थापित किया था। तो इसके जो फाउंडर थे आप अली ब्रदर्स थे, वो अली ब्रदर्स। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गया 1920 में। आप थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया लेके चलते रहो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये भी पूछ सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चला, तो वो 1920-22 में चला। तो उस टाइम वॉइस ऑफ इंडिया कौन थे, वो चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग मैसेकेयर जब हुआ था, मैसेकेयर हुआ था, तो वहाँ पे वॉइस ऑफ इंडिया कौन थे, वो चेम्सफोर्ड थे। ऐसे आप इन क्वेश्चन को साथ में कोरिलेट करके बनाओ। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग आ गए, तो इनका भी साथ में टेन्योर रखा है। तो जो चौरा चौरा इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन पर कुछ लोगों ने हमला किया था और पुलिस वालों को उन्होंने मार दिया था, ठीक है, तो असैसिनेट किया था। तो इसे दुखी होकर महात्मा गांधी ने इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। और साथ ही आरएसएस 1925 में इसकी स्थापना की थी, आरएसएस की केशव बालीराम ने, स्वराज पार्टी को फाउंड किया था चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो ये जो स्वराज पार्टी थी इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फॉलो कर रहे थे जो महात्मा गांधी इनको जैसे लीड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी ने चौरा चौरा इंसिडेंट के बाद इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, तो इन्होंने लगा इनको ये लगा कि ये थोड़ा सा
अपने अकॉर्डिंगली लीड करें, तो इनको ये चीज़ जो थी वो कुछ इनको नागवार लगी और इन्होंने अपनी स्वराज पार्टी एक फॉर्म कर ली। गया कॉन्फ्रेंस हुई थी 1922 में दिसंबर में, उसके बाद ये 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने फाउंड किया था। केरला में एक मोपला रिविलियन हुआ था 1921 में और कम्युनल रियॉट्स हो गए थे 1923 टू 1925। ये मुल्तान अमृतसर दिल्ली में ये हुए थे। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लॉर्ड रीडिंग के टेन्योर में कहाँ पे जो रियॉट्स हुए थे, कब हुए थे? मुल्तान, अमृतसर और दिल्ली। अब इसको MAD मैड, तो जब जो रेबल्स हैं या कुछ भी कम्युनिटीज रियॉट्स थे तो वहाँ पे सिचुएशन जो मैड सी होगी, ठीक है? ऐसे कुछ ना कुछ आप बना के इसको याद कर सकते। तो ये हमारा एंड ऑफ पार्ट हुआ है, आपने इससे कुछ क्वेश्चन बनाने हैं। बाकी जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम में भी एक क्वेश्चन सीरीज़ के थ्रू टेस्टिंग करेंगे सारी अपनी जो हमने इनको मेमोराइज़ किया है जैसे भी, ठीक है फ्रेंड? आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो ठीक है, लाइक करिए। और कुछ भी आपके कमेंट्स है, कुछ क्वेरीज होती है, तो आप indiagkacademy@gmail.com पर मुझे मेल कीजिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।